तो ये रही अपनी बाइक एकदम चमकती हुई, और आज ये पहली बार बाइक चलाएगा। गाइस मेरी तो पीछे बैठ के फट रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई इसको क्लच छोड़ना नहीं आता, इसने व्हील मारती थी अभी। कोई नहीं आ रहा, आराम से चला, एकदम से मत छोड़ियो बस वो क्लच, नहीं तो भाई उड़ते हुए जाएंगे। हल्की हल्की रेस दे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ब्रेक मार, ब्रेक क्लच दबा के रखियो, ठीक है। क्या मैंने इसको बाइक देख के गलती तो नहीं कर दी है? ओ भाई What's up guys? Welcome back to my new vlog. Welcome back to my YouTube channel. तो शाम के बज रहे हैं 6:15, और भाई अभी इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों आ रही है बताओ? क्यों आ रही इतनी ज्यादा एनर्जी? भाई इसने भी अभी चाय पिलाई है, इतनी मस्त मीठी चाय एकदम कुछ ज्यादा ही मीठी बना दी थी इसने, शुगर हो जाएगा इतनी ज्यादा मीठी भी गए। तो देखो शाम के 6:15 हो रहे हैं, हम व्लॉग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हमारे यूट्यूब पे हो गए हैं 69 के समथिंग, पता नहीं 69 कितने हो गए, 69 नहीं 79, ओ सॉरी 79 79 के सब्सक्राइबर। तो मुझे पता है आप जल्दी जल्दी 100 के भी करा दोगे। कल हम इसको बाइक, मतलब कल इसने बहुत दिन से बोल रहा है कि मेरे को बाइक चलानी है, कैंसिल नहीं होना चाहिए अभी, देख ले इसको, देखो आती नहीं है वैसे, इसलिए इसको कुछ नहीं आता भाई, इसको स्कूटी चलानी आती है, कभी कपड़ा तो मारा नहीं बाइक में, कभी कपड़ा तो मारा नहीं, अच्छा मेरा काम है देख रहे हो, और मैं हमेशा चमका के रखता हूँ मस्त भाई, इसने कभी कपड़ा मारा है नहीं, कह रहा मेरे को बाइक चलानी है, बट कोई नहीं, इसकी ये वाली इच्छा भी हम पूरी कर देंगे, कल इसको हम बाइक चलाने ले जाएंगे। वैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, बट उसके बाद हम गए नहीं थे ना, उसके बाद हमें कुछ काम आ गया था, मतलब कुछ ना कुछ तो हो गया था, कुछ काम कहीं ना कहीं जाना पड़ गया था भाई, इसलिए नहीं गए थे हम। अब देखते हैं कल सुबह सुबह जाएंगे, इसको बाइक चलाना थोड़ा बहुत सिखाएंगे, क्योंकि बैलेंस बनाना तो आता है बस, बाइक चलानी भी आती है मेरे को, बाइक चलानी नहीं आती है इसको अभी, इसको अभी पता नहीं है, तेरे को पता है ब्रेक्स कैसे मारते हैं, गियर बाइक चलाई है अभी, गियर्स के बारे में भी कुछ नहीं पता है इसे गाइस अभी, सिंगल सिलेंडर मैंने, तूने क्या चलाई? फोर सिलेंडर बाइक चलाई, फोर सिलेंडर बाइक तो मैंने नहीं चलाई, तूने कहां से चला दी भाई? देखो इसे देख के कोई बता सकता है कि ये एक साल पुरानी है? एक साल नहीं, अब भी निकाली मैंने, एक साल मतलब एक साल तो होगा शायद, एक हाँ काफ़ी होगा, 13-14 महीने हो गए भाई, अभी तक इतनी ब्रांड न्यू, 2 साल होने वाले ना, अभी तो नवंबर में होंगे, अभी नहीं हुआ भाई, देखो 2 साल नवंबर में लेके आए थे हम, नवंबर में 1.5 साल हो गया। देखो भयंकर कितनी ज़्यादा मस्त चमकती है, चमकती नहीं क्योंकि मैं चमकाता हूँ भाई, आज तक इसमें कपड़ा नहीं मारा, अभी इसने मिले साफ कर दिया, कल मैं चलाऊंगा चलाऊंगा मस्त, हाँ कल ही चलाएगा ना, इसलिए साफ किया मैंने, सही बोल रहा है। सो गाइस ये हमारा बुड्ढा, ये हो गया है 5-6 साल का, ये देखना जरा, थोड़ी एक्सरसाइज कर, देख बहुत मोटा हो रहा है, देख रहा उसका, ये देखो कितना मोटा हो रहा है, देखो आजकल ये 6 साल का हो गया ना मम्मी, भाई 6 साल का हो गया, देखो रुक जा, लेट आ रहा है, फिर लेट गया, उठ जा भाई, कितना आलसी है ना ये, खड़ा खड़ा जल्दी खड़ा, अभी देख खड़ा खड़ा अगर फोन चला रही है तो वो ही चलाते हैं यूट्यूब, क्योंकि आजकल आंटियाँ सीरियल्स कम टीवी कम, और वो फोन से यूट्यूब ज्यादा देख रही है, पता नहीं किसके ब्लॉग देख रही है मम्मी, किसके ब्लॉग देख रहे हो बताओ ना, नाम तो बताओ खुद, प्रियंका योगी तिवारी। सही लगते हैं आपको उनके ब्लॉग? तो देखो ये कल के एक्साइटमेंट के चक्कर में यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है कि बाइक कैसे चलाते हैं, हाउ टू राइड अ बाइक ऐसा सर्च कर रहा ना, तो अभी यहाँ पे क्या वही आती है मेरे को चलानी, क्या नूट समझ रहा है, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा गाइस, किसको बाइक चलानी आती नहीं आती है, इसको लग रहा है कि स्कूटी की तरह रेस देनी होती है साइड वो, और तू सोच रहा है मेरे को चलानी नहीं आती है, नूब हो गया मैं, नूब है तू, तभी तो सर्च कर रहा है भाई यूट्यूब पे, सर्च कर रहा है कि बाइक कैसे चलाए, हाउ टू राइड अ बाइक, आगे ले गया, चल कोई नहीं यार, कल ले सर्च, कल दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाएगा, और देखना आप कल पता चलेगा इसको बाइक चलानी आती नहीं आती, क्योंकि बहुत दिन से बोल रहा है भाई, जब से हम बाइक लाए हैं ना तब से बोल रही है, एक साल से बोल रहा है कि मेरे को बाइक चलानी है, मेरे को बाइक चलानी, लेकिन मेरे को थोड़ा डर लगता है भाई, क्योंकि मेरे को पता है वो कैसे चलती है और कितने ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं उसमें, लेकिन कोई रिस्क नहीं है, मैं चला लूंगा, ये तो अभी गरम खून है ना इनका, तो इन्हें अभी पता नहीं है भाई, इनको अभी पता नहीं कि बाइक क्या हो सकता है बाइक के साथ, पर कोई नहीं, कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो कल यार तो पानी मजा आएगा देखना कल, ठीक है रेडी रहियो, ठीक है कल के लिए, तेरे भाई से कितना मजा आता है ना उसे छोटे भाई को चिढ़ाने में। सो बॉयज सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम रेडी हो गए भाई, अभी अभी आँख खुली है,
ये देखो आज इतना ज़्यादा खुश हो रखा ना बाइक चलाने के लिए, एक्साइटेड, वेरी मच एक्साइटेड। और हमने अपने हेलमेट वगैरह भी रख लिया, मतलब दोनों ने हेलमेट रख लिया क्योंकि इसको भी हेलमेट पहनाना ज़रूरी, और मेरा हेलमेट तो रहेगा क्योंकि भाई अपने को तो रिकॉर्डिंग भी करनी है इसकी रिकॉर्डिंग मतलब गोप्रो लगाना है। तो देखते हैं भाई आज एक कैसे चलाएगा बाइक। वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि चला लेगा। सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, देखो सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई देखो फिर, क्योंकि लड़के तो भाई देखो खुद ही उन्हें खुद ही आ जाती है पहले से बाइक चलाना है ना। लेकिन मैं इसको थोड़ा अच्छे से सिखाऊंगा, मतलब एडवांस तरीके से जैसे हम चलाते हैं। हाँ बिल्कुल एकदम। चलो फटाफट लीन करते हैं और फटाफट से पहनते हैं हेलमेट वगैरह फिर निकलते हैं भाई, वरना ज़्यादा ही ट्रैफिक होने लग जाएगा। चले फिर। तो भाई देखो इसको भी हेलमेट पहना दिया हमने और बाइक भी अपनी अब कोल्ड स्टार्ट हो गई होगी भाई, अब जाके थोड़ी नींद खुली है, नहीं तो अभी तक तो मैं आधी नींद में था। और देखो ड्यूक वहाँ पे बैठा है भाई, अब निकलते हैं फटाफट से यहाँ से मतलब घर से, और फिर ढूंढते हैं कोई ऐसी रोड जहाँ पर लोग ना आते हो और फिर वहाँ पर देंगे इसको आज बाइक चलाने के लिए, मतलब आज अपने भाई को हम सिखाएंगे बाइक। वैसे तो शायद ऐसा आती होगी, मैंने देखा नहीं वैसे चलाते हुए, और मैं भी भूल गया मुझे लग रहा है तो भाई हम निकल गए और डर तो नहीं लग रहा है पीछे बैठ के, अभी ये पीछे बैठा हुआ आराम से चलो भाई से भी डर लग रहा है, बट कोई नहीं अब चलते हैं कोई खाली रोड ढूंढते हैं और वहाँ पे इसको आज बाइक देते हैं। आज हम सिखाने वाले हैं अपने छोटे भाई को बाइक, तो देखते हैं भाई कि कैसे चलाता है, क्योंकि भाई ये बहुत दिन से बोल रहा था मुझे बाइक चलानी है। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है तो मैं बाइक सिखा देते हैं। भाई देखो अभी हम आ गए ऐसे ही रोड पे, मतलब ये रोड है खाली बिल्कुल भाई अभी, और अपनी बाइक देखो पीछे थोड़ा सा कचरा गिरा हुआ, वो थोड़ा इग्नोर करना भाई, ऐसे कचरा नहीं फैलाना चाहिए, देखो बहुत सारे डिस्पोजल वगैरह गिरे हुए, बट कोई नहीं। तो ये रही अपनी बाइक एकदम चमकती हुई और आज ये पहली बार बाइक चलाएगा, तो एक्साइटमेंट लेवल कैसा है आपका भाई? तो भाई अभी से बता देते हैं बेसिक तो पता है, ये आगे का ब्रेक है, ये भी ये क्लच है, ये पीछे का ब्रेक नहीं है ठीक है, स्कूटी मत समझना इसे, ये क्लच है और पीछे का ब्रेक यहाँ पे होता है और गियर दूसरी साइड होता है, इतना पता है ना इतना। चल ठीक है फिर बैठ फटाफट से बैठ जा। हाँ अभी पहले मैं देखता हूँ कि इसको क्लच छोड़ना आता है नहीं आता है। हाँ बंद करनी नहीं आती तुझे, तू कर देना कोई बात नहीं करते पहले बाइक उठा, चल छोड़ बंद क्या करेगा, वैसे भी चलानी है, पहले स्टैंड ऊपर कर और मैं क्लच पकड़ के रखता हूँ, तू एकदम से मत छोड़ना ठीक है। पहले फर्स्ट गियर पता है कहाँ है? हाँ फर्स्ट गियर नीचे होता है, बाकी के सारे ऊपर। हाँ नीचे, और एकदम आराम से छोड़ियो, अगर तूने तेज से छोड़ा तो बाइक उड़ जाएगी ठीक है। पीछे पहले तो थोड़ी सी चला के दिखा भाई, ज़्यादा तेज मत चलाइए, अभी एक्सेलेटर मत देना, क्लच में चल जाएगी थोड़े आगे तक, चला के दिखा थोड़ा आगे तक, बहुत हल्के हल्के छोड़ना होता है। हाँ ऐसे ही चला, बिना रेस दिए क्लच छोड़ दे पूरा, और रेस मत दियो गिर जाएगा आराम से। क्या मैंने इसको बाइक देख के गलती तो नहीं कर दी है? ओ भाई रुक जा, अरे भयंकर मोड़ भी दी इसने, चला थोड़ा आगे तक चला फिर से ये खुशी देख रहे हो लौंडे के चेहरे पे, खुश हो रहा भाई आज वो बाइक चला के। तो बहुत दिन से बोल रहा था मेरे को बाइक चलानी और ये अपनी वीडियोस देखता रहता है भाई जब हम राइड पे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई इसका भी मन करता है बाइक चलाने का, तो उसको भी थोड़ा बाइक सिखाते हैं। वैसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती यार, देखो लड़कों को ना बाइक आती है पहले से। तो भाई देखो इस तो बाइक चला दी और मैं अपना इसका गोप्रो का जो माइक था जो मैं यूज़ करता हूँ वो लेके नहीं आया, तो अभी मेरे को इसके मीडिया मोड से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बाकी देखो यार कैसा लगा मेरे को बाइक चला, मज़ा आ रहा है। अभी इसने पहले गियर पर चलाई है भाई, तो अभी इसको इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा पावर का, और वैसे भी बाइक अर्बन मोड में है क्योंकि एकदम से हम इसको ट्रैक मोड डाल के दे सकते हैं ना, कहीं पता चल रहा है ये चली गई ऐसे लिटाते। बाकी देखो बाइक ये रही है अपनी। तो भाई देखो जब भी आप बाइक चलाओ, अभी मैं इसको भी ये बता रहा था कि जब भी आप बाइक चलाओ तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे तुमसे आगे कोई निकल गया, तो भाई दिल पे बात नहीं लेनी चाहिए कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, तो मैं इसको हराऊंगा। देखो रेस के चक्कर में ही कांड होते हैं, और अपना तमीज से चलाओ, कोई रेस करने की ज़रूरत नहीं है भाई किसी से, कोई आगे निकल गया तो निकल गया है ना, उसको ऐसे पछाड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको हरा दूंगा ठीक है। तो अपना जैसे आराम से चलानी वैसे चलाओ, क्योंकि भाई रेस करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा भाई। नुकसान क्या होगा सबसे बड़ा, कि भाई एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब भी बाइक चलाओ तो हेलमेट सेफ्टी गियर हमेशा पहन के चलाओ। देखो इसको मैंने हेलमेट पहना के ला रखा हूँ क्योंकि भाई अभी सेफ्टी गियर क्या ही पहनाता मैं इसको यार, बहुत
आराम से चलाने वाले थे हम, क्योंकि भाई अभी तो मैं हूँ ना इसके, तो ये भगा नहीं सकता यार तेज, अकेले का पता नहीं इसका कि भगाएगा नहीं भगाएगा। बाकी अभी चलता है घर तक, तो ये लेके जाएगा और देखते हैं आज इसकी घर तक की राइड कैसे रहती है। सबसे लंबी राइड होने वाली है इसकी आज घर तक की, है ना। खुश हो रहा है आज बाइक चला के, शक्ल तो दिखा नहीं जा रही इसकी, हेलमेट के अंदर ना इसकी शक्ल नहीं दिख रही है भाई, तब से थम्सअप ही थम्सअप कर रहा है। चलो भाई टाइम टू गो, अब होने वाली है इसकी लंबी वाली राइड मतलब घर तक। और अभी हम घर से थोड़ा सा आगे आ गए क्योंकि घर के साइड यार ऐसे वाली रोड नहीं मिलती थी, खाली वाली। भाई रोड देख लो कितनी मस्त है, एकदम साफ़ सुथरी, जंगल के बीच में, इस साइड भी जंगल, इस साइड भी जंगल। भाई यहाँ से तो कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ भी आ रही है, अब पता नहीं कौन से जंगली जानवर है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मोड़ दे फटाफट से, वैसे बाइक तो सूट कर रही है क्योंकि इसकी हाइट लंबी है ना भाई, इसकी पूरी पूरी टांगे पहुँच रही है। देखो भाई आराम से चलाना ठीक है बाइक, मैं किसी के पीछे बैठता नहीं हूँ, लेकिन डर लग रहा है भाई इसके पीछे बैठने में। रुक जाओ, इसकी तो सीट भी इतनी ऊपर है ना भाई कि मैं क्या बताऊँ। फर्स्ट गियर डाला है, हाँ चल आराम से चला, हाँ कोई नहीं आ रहा, आराम से चला, एकदम से मत छोड़ियो बस वो क्लच, नहीं तो भाई उड़ते हुए जाएंगे। हल्की हल्की रेस दे, हल्की हल्की क्लच छोड़ दे, पूरा पूरा क्लच छोड़ दे, हाँ ब्रेक दे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, अब सेकंड गियर डाल, क्लच दबा के क्लच दबा, अबे कैसे डालते बोल रहा भाई, क्लच दबा के ऊपर आगे सेकंड चल, अब रेस दे थोड़ी थोड़ी भाई, इसीलिए मैं बोल रहा था। देख गाइस अभी इसने विली मार दी थी, तू भाई ऐसी चला अभी तेरे को 3-4 दिन भाई, अभी इसको एक हफ्ते ना ऐसी चलाना पड़ेगा, देखा इसका क्लच में हाथ साफ नहीं है। और कह रहा था कि मुझे बाइक चलानी आती है, गाइस मेरी तो पीछे बैठ के फट रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई इसको क्लच छोड़ना नहीं आता, इसने विली मार दी थी अभी सेकंड गियर में भी और थर्ड गियर में भी, बहुत वाइब्रेशन आ रही है कह रहा है, आएगी वाइब्रेशन जब तू आराम से चलाएगा, वो भी बहुत ही लो आरपीएम्स में। वाइब्रेशन भाई इसके लो आरपीएम में भी आता है और हाई आरपीएम में भी आता है, थोड़ी रेंज देना गाड़ी बंद हो जाएगी। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ब्रेक मार, ब्रेक क्लच दबा के रखियो ठीक है, फर्स्ट गियर डालो, पीछे कर थोड़ी, आगे पीछे कर तब डलेगा, पीछे करना थोड़ी, आगे पीछे कर फिर फर्स्ट गियर डलेगा। अबे दबा तो पहले गियर तो दबा, लग गया, अभी साइड से निकाल बहुत आराम से, नहीं भाई थोड़ी सी रेस दे बंद हो जाएगी, रेस दे थोड़ी, अरे बंद भी तो हो जाएगी भाई, ये भी तो देखना होता है भाई। इतना डर मुझे आज तक नहीं लगा गाइस, जितना ज़्यादा डर मुझे इसके पीछे बाइक बैठ के, आराम से चला तेज मत चला भाई, इतनी ज़्यादा रेस भी इतनी ज़्यादा भी नहीं देनी ना कि पता ही ना चले कि कहाँ चले गए उड़ते हुए। थर्ड गियर में बाइक चल रही है 36 की स्पीड में और ये कभी भी भाई रेस दे रहा है, एकदम झटके लग जा रहे हैं। तो भाई देखो पहुंच गया घर, अब बता आप कैसा लगा तुझे? चक्कर आ रहे हैं, चक्कर भाई इससे एक बीच बीच में तो बिलियां मार दी थी, मेरे को तो इतना डर लग रहा था, मैंने कहा भाई ये उड़ा देगा, तो आधे रास्ते तक ये चला के लाया, उसके बाद मैं चला के लाया वहाँ से, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा चलाई मैंने लेकिन पहले दिन के हिसाब से ठीक था भाई, वैसे तो बाइक खुद ही चल रही थी क्योंकि उसमें अगर तुम रेस ना दो ना तो वो खुद ही क्लच की पावर लेके चल जाती है, बट पहले दिन के हिसाब से ठीक था, बहुत मस्त था। अब इसको एक हफ्ते थोड़ा बाइक मतलब इसका हाथ साफ कराना पड़ेगा, उसके बाद ही सीख जाएगा भाई। इन दोनों को अलग ही मस्ती जा रही है, इन दोनों को अलग ही मस्ती जा रही है और इनको भाग गया। तो भाई देखो आज के व्लॉग में हमने इसको बाइक चलाने के लिए दिया है और आज का व्लॉग पूरा बाइक चलाने पे ही हो गया खत्म। भाई अभी तक मेरे को ऐसा डर लग रहा है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा था चलाता कैसे है वो, सेकंड ईयर में से भाग रही हो इसको ये कह रहा है कि सेकंड ईयर में भाई, इसने सेकंड ईयर में विली मार दी थी, इसने एकदम से क्लच छोड़ा ना, वो तो अच्छा अर्बन मोड में था, वो बंद भी नहीं हुई है भाई क्योंकि वो GTT की वजह से हल्की हल्की चलती रहती थी और वो GTT पे आई भाई थर्ड गियर तक ही ऐसी लेके आया, वो खुद ही चल रही थी, कह रहा था मेरा बाइक चलाने के लिए थोड़ा रेस देनी पड़ती है, डेढ़ तक चलाई मैंने उसके लिए थोड़ी रेस देनी पड़ती है भाई चलाने के लिए। अभी कह रहा है कि भाई तुम कैसे चलाते हो राइड पे, कैसे चलाते हो, ऐसे ही चलाते हैं। तो भाई देखो आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं क्योंकि आज के व्लॉग में हमने इसको बाइक चलाना सिखाया, अब इसकी धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, जब इसको धीरे धीरे थोड़ा इसको हाथ सेट होगा ना क्लच वगैरह में, बस यार मेरी क्लच प्लेट फूटेगा बस इसका डर है मुझे, बट कोई नहीं भाई इसको सिखा देंगे, देखते हैं कितना टाइम में सीखता है। तो इस व्लॉग को डिपेंड करता है, होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और दुआ करो कि इसको जल्दी जल्दी बाइक चलानी आ जाए भाई। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टाटा टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय।